मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। कि हम हिंदू को बुरा कहते हैं, इंडिया को बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होने के वजह से उस इंडिया को दुनिया की एक सुपर पावर बना दिया। इंडिया ने जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है और हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया कि हम एक अरब डॉलर के लिए नौकरी करते फिर। जीएसटी कलेक्शन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार 2,00,000 करोड़ के पार जीएसटी कलेक्शन। अप्रैल में 12.4% की उछाल के साथ 2.10 लाख करोड़ पहुंचा। कि भाई आज इंडिया को देख लें, जो 1947 में हमारे साथ ही आजाद हुआ, आज जो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है, और हम जो उनसे है IMF के पास या मुस्लिम लोगों के पास जाके भीख मांगते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान जो है ये टोटली जो है करप्ट है और टैक्स पूरा पे नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान डेवलपिंग बहुत पीछे है। जिसने हमारा साथ छोड़ा है, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो बांग्लादेश हो, वो हमने देखा कि वो प्रोग्रेस कर गया। कंपेयर करना आपका भारत से कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। बात ये नहीं है कि आप लोग भीख, आप में 1,00,000 की कमी है। कल के बच्चे हो यार, कल के बच्चे हो, नैपी पहन के घूम रहे हो हमारे सामने लंबी लंबी छोड़। हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जितना लोग रेगुलरली और ईमानदारी के साथ टैक्स देते हैं, उनके गवर्नमेंट भी उसी ईमानदारी के साथ वो टैक्स का पैसा उस मुल्क की डेवलपमेंट पर लगाती है। जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एक टैक्स के सिस्टम ने पूरे भारत को एक कर दिया है। 2017 में इंडिया में जीएसटी लगाया गया था, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसका नाम था वन नेशन वन टैक्स, जिसका फायदा ये हुआ कि चीज़ों की कीमतों में कमी होगी और टैक्स का दायरा कार भी बढ़ गया। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जितना लोग रेगुलरली और ईमानदारी के साथ टैक्स देते हैं, उनके गवर्नमेंट भी उसी ईमानदारी के साथ वो टैक्स का पैसा उस मुल्क की डेवलपमेंट पर लगाती है। लेकिन जैसा कि आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर टैक्स के निज़ाम की चोरी भी है, लोग देते भी नहीं हैं, और फिर हमें इस बात का यकीन भी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट उसे हम पे अप्लाई भी कर रही है तो या नहीं, तो क्या कहेंगे टैक्स के निज़ाम का बेहतर होना किसी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखें जी, हम हमेशा से जो चीज़ पढ़ते भी हैं और हमें इस चीज़ का शऊर भी होना चाहिए, एक घर के बजट में और एक मुल्क के बजट में दो वाजे जो फ़र्क हैं वो ये होते हैं कि हम अपने घर के लिए जब हमने कोई चीज़ बनानी है, अपने घर के लिए हमने कोई चीज़, लेट से हमने घर की रेनोवेशन करवानी है, लेट से कोई गाड़ी खरीदनी है, ये दो बड़े खर्चे बताए हैं। बिकॉज आज भी पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना और घर बनाना, ये दो बड़े खर्चे हैं। तो इसके लिए हम पहले एक चीज़ माइंड में लेके आते हैं, फिर उसके हिसाब से हम पैसे बचाना शुरू करते हैं। हम बचा लेते हैं पैसे और उसके बाद जितने बन जाते हैं उसके हिसाब से हम एक्सपेंस लगा लेते हैं। एक गवर्नमेंट इस किस्म का काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने अगर एक पुल बनाना है, हम तो ये कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास सारे खर्चे करने के बाद थोड़े कम पैसे बच गए हैं, तो हो सकता है हम सेकंड स्टोरी ना बनाएं, हम उसको थोड़ा सा छोटा बना लें, एक कमरा ना बनाएं, वो बाद में बना लें। लेकिन जब ये काम बजट में दिखाना है, जब एक टेलीवाइज करना है एक चीज़ को, तो हमको वो चीज़ 100% बतानी पड़ती है कि हम ये काम करेंगे। जब वो काम पूरा नहीं होता तो एक जनरल पब्लिक का बंदा है, उसका उठ के कहना बनता है कि हमारी गवर्नमेंट ने जैसा हमसे प्रॉमिस किया था वो नहीं किया। हम बहुत आसानी से अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि हम ये काम करेंगे लेकिन हमने वो नहीं किया। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे आजाद हुए, आज इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और पाकिस्तान IMF के पास या मुख्तलिफ जगहों पे जाके भीख मांगता फिर रहा है बैंकक्रप्ट होने से बचने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इंडिया के साथ, दूसरी बात, इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं जो है वो बनता ही नहीं है। हमें अपनी ईद का चांद नजर नहीं आता और इंडिया ईद पे चांद पे जो है वो पहुंचा हुआ है, हमें अपना चांद नजर नहीं आता। वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हमारा, उनसे कोई कंपैरिजन नहीं बनता। नहीं, आप मेरा शायद क्वेश्चन ठीक से समझे नहीं या मैं समझा नहीं पाया। आपने जो बात की है वो अपनी जगह ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने बात की है, इस बात पे आपको गद्दार कह दिया जाएगा या मुझे गद्दार कह दिया जाएगा कि आपने ये बात चलाई क्यों है? लेकिन जो हमारे पार्लियामेंट में, हमारी असेंबली में बैठ के बात कर देंगे सेम यही कि आपको नहीं लगता ऐसे, तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। एक साइड पे मुझे अगर या आपको कहा जाए कि इंडिया का नाम ही नहीं लेना, इंडिया के बारे में डिस्कशन ही नहीं करनी, इंडिया की तारीफ ही नहीं करनी, और दूसरी साइड पे आप टीवी लगाएं देखें हमारे नेशनल चैनल पे, जी हमारे पॉलिटिशियन कह रहे हैं इंडिया से सीख लो, इमरान खान साहब कह रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, नवाज शरीफ कह रहे हैं इंडिया G20 का मेंबर बन गया। इसके लिए आप ये भी देखो ना,
आप मुल्क पाकिस्तान का किसी भी यंग जनरेशन को देख ले, कोई भी जो लाइक अपने एम को लेकर जो बच्चा पैशनेट है उसको देख ले, वो आप अपने पाकिस्तान में किसी को रोल मॉडल नहीं दे रहा, किसी को नहीं डिफाइन कर रहा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने डेवलपमेंट किसने की है, जो या किस फील्ड में की है? किसी ने भी नहीं की। जो वो रोल मॉडल अपना वही चूज करता है जिसके जिसने अच्छी खासी कम उम्र में डेवलपमेंट की भी हो, ठीक हो गया। इस वजह से लोग उनके लोग अब देखे फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी फिल्म इंडस्ट्री अगर हम इतने ही मुसलमान है नाम के मुसलमान फिल्म इंडस्ट्री अपने मुल्क में क्यों सपोर्ट कर रहे हैं उनकी, ठीक है। लोग सपोर्ट करते हैं भाई, लेकिन हमें जो लाइक जो एम होते हैं वो लोगों के एम जो है वो लाइक इतना टैलेंट नौजवान पाकिस्तान में भी है, बहुत नौजवान टैलेंट है, लेकिन वो बाहर जाता नजर आ रहा है। आप देखें एम्बेसियों में चले जाएं, अभी लाइक मेरे दोस्त बता रहे थे कि इस मंथ 1.5 लाख ऐसे वीजे पेंडिंग है जो बाहर जाने वाले लड़कियां। बात करें हमारे हमसाए मुल्क इंडिया की जिसने रिकॉर्ड काम कर दिया जीएसटी कलेक्शन में, तो वहां पे 2017 में टैक्स का निज़ाम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था, एक नया सिस्टम जो है वो आवाम के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका नाम ये दिया गया था वन नेशन वन टैक्स, जिसने पूरे भारत को एक कर दिया। अब आप देखें कि अगर इंडिया की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई चीज़ जानी होती है तो उस पर एक ही दफ़ा टैक्स लगता है, जिसकी वजह से चीज़ों की कीमतें ना तो ज़्यादा बढ़ती हैं और दूसरा टैक्स का दायराकार जो है वो भी बढ़ गया। देखें टैक्स का दायराकार अगर बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ मसाइल की बिना पे टैक्स का दायराकार हमें छोटा करना पड़ा है। आप गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, आप कश्मीर वाली जगह को देख लें, वहाँ पर कुछ ट्रीटीज़ की बिना पे हम वहाँ से टैक्स इकट्ठा उस तरीके से नहीं कर सकते। हम इस चीज़ को देखें कि हम पैसा इकट्ठा करके हम उस जगह लगाते हैं जो कि चीज़ नज़र आती है, जैसे कि पंजाब। हम यहाँ पर टैक्स इकट्ठा करके तो यहाँ पर लगाना हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से कभी एक बंदा ट्रिप ले कराची की तरफ, सिंध की तरफ एक बंदा ट्रिप ले, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा पैसा उस तरीके से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता जिस तरीके से पंजाब में किया जाता है। एंड इट्स अ वेरी वेरी सैडनिंग थिंग, बिकॉज एक मुल्क का हमने इसको दर्जा दिया ही नहीं हुआ। यहाँ से आज बलूचिस्तान पंजाब से बंदा चला जाए, वापस जिंदा आना मुश्किल है। नहीं जा रहे, उन्हें मौका नहीं मिल रहा। आपको अगर मौका मिले, सच बोलिएगा, मौका मिले चले जाएंगे। मैं ऑब्वियसली कल मेरे हाथ में वीजा हो मैं चला जाऊं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर किसी को सिक्योर नजर नहीं आता। ठीक है, आपको अगर सच बोलिएगा मौका मिले, आज आपको वीजा मिल जाए किसी फॉरेन कंट्री का, आप चले जाएंगे या रुकेंगे कि भाई पाकिस्तान से प्यार है मैं तो इधर ही रहूंगा? देखिए जी, हर कोई अपने फ्यूचर के लिए जाता है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए, तो डेफिनेटली अगर मौका मिलता है तो जरूर उसको अवेल करेंगे। आप यहाँ रुकेंगे या जाएंगे वीजा अगर मिलता है? नहीं, यहाँ ही रुकूंगा। यहाँ रुकेंगे, पक्की बात है? रीजन क्या है? अच्छा, अच्छी बात है ना, आपने बोला कि यहाँ रुकूंगा, उसकी रीजन क्या है? अगर हमने इन्हें कायल करना हो कि भाई आप क्यों जा रहे हो तो क्या कहेंगे? मैं अकेला भाई हूँ ना, मैं बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, इस वजह से? मैंने कहा यार पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह से। मैं अकेला भाई हूँ, मैं नहीं जा सकता। आपको अगर कहें कि भाई अमेरिका का वीजा मिल रहा है या मतलब किसी इवन सऊदी अरेबिया का वीजा देते हैं, चल जाएंगे? डेफिनेटली जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात है आप ये देखें तो सोलर से हम सोलर किस लिए लगवा रहे हैं? हम अपने लिए लगवा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली तो है नहीं है, ठीक है, एक सोलर ही सोलर बचा था, हम पहले पैसे खर्च करके वो अपने लिए लगवा रहे हैं अपनी सहूलत के लिए, अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी टैक्स लगा।